नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट अपडेट की जो कि आ रही है इसरो की तरफ से। तो देख लेना, यहाँ पर साइंटिस्ट पोस्ट के ऊपर बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग जॉब्स के रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि देखो इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग, तो सबसे पहली आपको देखने को मिलेगी देखो ये MEMTech जिन्होंने रिमोट सेंसिंग GIS जी इन्फॉर्मेटिक्स में कर रखा है, या फिर जो BE/BTECH वाले हैं वो भी यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, है ना। देख लेना यहाँ पर जो पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5 है। मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग आ जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अपना चैनल जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ट है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलो सबसे पहले देखो ये लो, तो देखो यहाँ पर ना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये 9 नंबर का, है ना, 9 नंबर का यहाँ पर जो है पोस्ट कोड है 14। ये वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है ना। टोटल 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों के सामने साफ साफ लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कि या तो आपकी MTech हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए WRE का, है ना, यानी कि WRE का अगर यदि आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल कर सकते हैं। या अगर यदि आप एग्रीकल्चरल से हैं और फिर भी आप लोगों ने WRE के अंदर कर रखा है तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसी के अलावा WRE अगर यदि आप लोग की BE/BTECH के अंदर भी आ रही है तब भी आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुल मिला के BTECH वाले भी भर सकते हैं और MTECH वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि WRE आप लोगों के कोर्सेज के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो ये वाला हो गया, इसके नीचे भी आप लोगों के सामने एक और देखने को मिलेगा ना। देखो ये दो अलग अलग पोस्ट है ना, ये तो देखने को मिलेगा आप लोगों को साइंटिस्ट इंजीनियर SC वाली पोस्ट ना। यहाँ पर आप लोगों को एक और देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये ऑटोनोमस बॉडी है साइंटिस्ट इंजीनियर SC ऑटोनोमस बॉडी NESEC। अब यहाँ पर भी ना WRE की पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो है आप लोगों को यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगी, ये भी वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है। इसके अंदर अगर यदि आपने MEMTECH कर रखा है रिमोट सेंसिंग के अंदर, और या फिर आप लोगों के पास क्या है, देखो यहाँ पर और करके लिखा हुआ है, और BE/BTECH आप लोगों का है सिविल इंजीनियरिंग से, तो भी आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के BE/BTECH वाले MEMTECH वाले इन पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने WRE के अंदर स्पेशलाइजेशन आप लोगों का यहाँ पर कर रखा है। तो ये तो हो गई हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, तो देखो बहुत कम है, 3 रही है ना, बस इतनी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कुल मिला के 7 वैकेंसी आप लोगों के सामने यहाँ पर खुली हुई है। बाकी ये सब हमारे काम का नहीं है ना। बाकी देखो होने वाले लाइब्रेरी असिस्टेंट भी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो भी यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों को इनके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग जॉब्स के रिगार्डिंग आप लोगों से यहाँ पर बात करता रहता हूँ। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है ना। अभी तक तो हमने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पोस्ट कोड्स है ना ये इनके लिए जो ये साइंटिस्ट है इंजीनियर SC के लिए यहाँ पर आप लोगों के मिनिमम जो होने चाहिए 65% आप लोगों के पास यहाँ पर मिनिमम इतने मार्क्स आप लोगों के पास यहाँ पर होने चाहिए, है ना। इन्होंने CGPA में भी दे रखा 6.84 है ना, तो ये आप लोगों के यहाँ पर साथ के साथ चाहिए, है ना, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज है ना, न्यूनतम 65% सारे सेमेस्टर का एवरेज आप लोगों का यहाँ पर निकल के आना चाहिए। और BE/BTECH के साथ जो यहाँ पर देखा 60% या 10 अंक पैमाने पर इतनी देख लेना यहाँ पर, है ना, देख लेना। तो यहाँ पर ना कुल मिला के लिखा हुआ है कि अगर आपने BE/BTECH है तो BE/BTECH वालों के लिए 65% सेमेस्टर वाइज या फिर 6.84 याद रखना 6.84 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये BE/BTECH वालों के लिए MEMTECH वालों के लिए थोड़ा कम है, 60% या फिर 6.5 CGPA आप लोग यहाँ पर चल जाएगी आप लोग, है ना। पहले बताता हूँ MEMTECH के लिए अंदर कम दे रखा है और उसके लिए ज्यादा दे रखा है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया कि 65% वाले BTECH वाले और 60% वाले MTECH वाले आप लोगों के यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा नीचे चल के देखते हैं सर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे काम आ सकती है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि नेचर ऑफ जॉब आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों को कुछ नहीं, देखो यार सीधी सी बात है WRE का काम है, तो WRE में वैसे ही काम आप लोगों से यहाँ पर ही कराने वाला है ना। देख लेना WRE है तो उससे रिगार्डिंग आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा, है ना, क्या ही करा लेंगे WRE में। देखो वही फ्लड मॉडल्स के ऊपर काम करा रहे हैं, फ्लड मिटिगेशन स्टडीज करा रहे हैं ना, कैचमेंट एनालिसिस करा रहे हैं, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, वही वही सब है। देखो सिलेबस के अंदर वही सब कुछ होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ पर ना पोस्टिंग की प्लेस भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, देख लेना यार ये पढ़ लेना आप लोग, है ना, पोस्ट कोड के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर दे रखी कि कहाँ कहाँ जो है पोस्टिंग होगी, ये सब पढ़ लेना। देखो बहुत सारी जगह यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रही होगी, है ना। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं पे एंड अलाउंस की। तो देखो साइंटिस्ट SC वाली पोस्ट के लिए आप लोगों की जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप लोगों को यहाँ पर देख ही पा रहे हैं ना। देख लो आप लोग लेवल 10 का ना आप लोगों को पे मैट्रिक्स मिलने वाला है ना, यहाँ पर देख लो आप लोग वेतन जो है आप लोग कितना मिलेगा वो देख लो लिखा हुआ है ना,
इसमें सब कुछ ऐड करके रखे 81,906 यानी कि देखो 82,000 के आसपास की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली, तो तैयारी कर सकते हो भाई लोगों इनकी, है ना। आगे देखो एज लिमिट, देख लो एज लिमिट आप लोगों के यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 30 साल, और ये जो क्राइटेरिया रहेगा ये आप लोगों को इस डेट से फॉलो करना है ना, ये डेट आप लोगों की यहाँ पर मान के चलना इस डेट से लगा लेना आप अपना आइडिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, एप्लीकेशन फी इन्होंने बोला हुआ है कि देखो 250 रुपए फीस है वैसे तो, लेकिन ये अभी आप लोग जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब आप लोगों से 750 रुपए लेंगे, 750 रुपीज लेंगे, बाकी 500 रुपए आपको अगर यदि आप अपीयर होते हैं एग्जाम में तो आप लोगों को रिफंड कर देंगे, अगर यदि आप नहीं होते ना तो आपको नहीं देंगे, पहले बता दो। रेलवे भी इसी तरह से करता है कुछ, है ना, पहले बता देता हूँ कि ये जो है फी तो आप लोगों से लेंगे, लेकिन अगर यदि आप एग्जाम ही नहीं दिए ना तो फिर वो आप लोगों को 750 गए, अदरवाइज आप लोगों के 500 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, 250 रुपए इनकी फी है वैसे, है ना। देख लेना मिलेगा कहाँ ये फॉर्म, तो देख लेना यार, ये तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को, एनआरएससी की वेबसाइट पर या इसरो भी आप लोग साफ साफ लिखेंगे तो आप लोग जब सर्च कर लेना इसरो साइंटिस्ट एनआरएससी वाला फॉर्म, तो वो ये मैं आप लोगों बाकी फॉर्म की पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से खुद भी पढ़ पाए। अच्छा देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये क्या करने वाले, तो देख लो ये ना रिटर्न टेस्ट भी होगा इंटरव्यू होगा, इसलिए बोल रहा तैयारी आप कर सकते हैं आराम से, है ना। तो रिटर्न टेस्ट भी लेंगे ये, इंटरव्यू भी लेंगे, सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड नहीं है रिक्रूटमेंट, है ना। आराम से पहले पेपर दो, पेपर देने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने जो है परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट भी आप लोगों के सामने यहाँ पर लग रखा है। चलो देखो देखो तो क्या 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 आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखो पूरा पेपर जो है आप लोगों को कितने पार्ट में देखने को मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर 3 पार्ट में देखने को मिल रहा है, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें पार्ट ए रहेगा आप लोगों यहाँ पर एरिया ऑब्लिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, यानी जिसके अंदर आप लोगों से जैसे आप टेक्निकल वाले तो टेक्निकल के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछेंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले तो उनसे उनके बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा, पार्ट बी के अंदर आप लोगों का एप्टीट्यूड आएगा, और पार्ट सी के अंदर आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर निकल के आएंगे, ठीक है। देखो टोटल यहाँ पर अवधि जो यहाँ पर दे रखी है, सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोग 75 मिनट्स की आप लोगों की है, मार्क्स रहेंगे 60 और 1 मार्क आप लोगों को मिलेगा किसके लिए, सही उत्तर के लिए, और गलत उत्तर के लिए आप लोग 0.33 कट जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कुल मिला के, है ना। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो पार्ट ए के अंदर टेक्निकल के 60 क्वेश्चन आने वाले, पहले बताता हूँ टेक्निकल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन टेक्निकल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सेकंड बात कर लेते हैं पार्ट बी की, पार्ट बी के लिए 30 मिनट मिलेंगे, देखो पहले वाले के लिए 75 मिनट दे दिए, सेकंड वाले के लिए आप लोगों को दे दिया यहाँ पर 20 मिनट, है ना। पार्ट बी के लिए 30 मिनट मिलेंगे आप लोगों को, 20 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से यहाँ पर पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 15, ठीक है। और यहाँ पर 60 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन 30 मिनट मिलेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट सी तो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना, ये तो बिल्कुल आप लोगों जैसे होता ना मेंस का पेपर लिखते हैं वैसे, डिस्क्रिप्टिव नेचर का 30 मिनट मिलेंगे आप लोगों को, 20 मार्क का आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, टोटल मिला के 100 मार्क हो जाते हैं। और जो टाइम आप लोग यहाँ पर देख लो, आधा घंटा इसका हो गया, आधा घंटा इसका हो गया, और 75 मिनट यहाँ पर इसके हो गए आप लोगों, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो यही है हम लोग का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर जो है बाकी सारी बातें देखो कॉमन ही लिखी हुई है, और तो बाकी तो कुछ खास यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। फिर जब रिटर्न टेस्ट आप लोग क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या देना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू देना है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि आप लोगों का रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोग बोल रहे, देखो रिटर्न टेस्ट जो है इन सिटीज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सिटीज दे रखी है हर एक, जैसे राजस्थान के जोधपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, तो ये देख लेना यहाँ पर स्टेट यूटी एनसीआर लिखा हुआ, और यहाँ पर जो है आप लोगों के यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी में आएंगे, वो आप लोगों को पहले लिख दिया है ना, ताकि आप लोगों को बाद में ऐसा मत कहना कि सर यहाँ पर डाल दिया वहां पर डाल दिया। अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एनआरएससी की वेबसाइट पर चले जाना आप लोग, और यहाँ पर जो है ये 22 तारीख से याद रखना है ना, जो एनआरएससी की वेबसाइट पर 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर चालू हो जाएगा, और यहाँ पर 12 तारीख तक आप लोग यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे। कुल मिला के करंट में ये पर्टिकुलर फॉर्म अभी आप लोग का ओपन है, आप लोग जाके इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बाकी सब तो ये जनरल कंडीशन है, इनको एक बार आप लोग पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ लेना, ये अब मैं अभी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के, ठीक है। बाकी देखो और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम की तो भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन नंबर पे आप लोग क्वेरी ले लें एक बार, है ना।
जो भी गाइडेंस रहेगा वो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।